तैयार हो चुका है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मस्टर्ड और ग्रीन चिली का पेस्ट है, ये टमाटर पेस्ट है। आज मैं फिश में नमक हल्दी नहीं लगाया है, आज मैं डायरेक्टली ऑयल में नमक हल्दी दे दिया है और ये रेड चिली पाउडर। हो चुका है, अब इसमें टमाटर का पेस्ट दे दूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ध्यान में रखना कि फिश को फ्राई करने के टाइम भी नमक मैंने डाला हुआ था, और आप जितना तीखा खाना चाहते हो उस हिसाब से रेड चिली पाउडर, ये थोड़ा सा तीखा ही बनता है ये फिश। थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसको मसाला को भूनूंगी जब तक ऑयल ना इसमें सेपरेट हो जाए। हाई फ्लेम में इसे भूनूंगी, 5 मिनट तक मेरा इसे भूनना हो चुका है मसाला को, और ये देखिए ऑयल कैसे छोड़ रहा है, ये देखिए ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। आप जितना ग्रेवी खाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए। मैंने अभी लीड लगा दिया है, मसाला अच्छे से पक जाए उसके बाद फिश को ऐड करके इसको थोड़े देर तक 5 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर नहीं एकदम लो फ्लेम पे इसको बॉईल करूँगी, बॉईल यानी कि पकाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड मेरा मसाला कुक हो चुका है, तो अभी इसमें एक सेकेंड, तो अभी इसमें ये फ्राई किया हुआ सब फिश को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अभी बॉईल करूंगी और थोड़ा सा इसका पानी सूख जाएगा उसके बाद कोरिएंडर लीफ छिड़क कर मेरा सब्जी तैयार हो जाएगा। ढेर सारा कोरिएंडर लीफ दे दिया है और मेरा फिश का जो करी है ये भी रेडी हो चुका है।
अभी मैं सेम फिश का दूसरा रेसिपी बनाऊंगी। ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ही नमक दूंगी। अभी इसमें मस्टर्ड पेस्ट को दे दूंगी। तो देखिए इसमें बॉईल आ चुका है मसाला में। अभी इस फिश को दे दूँगी। देखिए ये फिश मैंने फ्राई नहीं किया है, कच्चा डाल दूँगी। फ्राई नहीं किया हुआ है ये। फिश से ढक्कन लगाकर गैस के फ्लेम एकदम नॉर्मल कर दूँगी, यानी कि लो। देख लेते हैं, देखिए और 2 से 3 मिनट तक मैं इसे बॉईल करूंगी। इससे पहले इसमें कोरिएंडर लीफ मैं दे दूंगी। मेरा ग्रेवी तैयार हो चुका है, लेकिन इसका ना ज़्यादा पतला हो गया। मैं और इसे सूखा करना चाहती हूँ, तो इसीलिए और 2 से 3 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूंगी। अगर आप चाहते तो इस तरह से खाना तो अभी इसी टाइम पे उतर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और सूखा बनाऊंगी। देखिए कढ़ाई को कितना अच्छे से मैंने धो के लेके आई हूँ। अभी कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अभी इसमें दे दूंगी मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। इसमें दे दूंगी नमक, बाद इसमें दे दूंगी ऑनियन, दे दूंगी ग्रीन चिली, इसके बाद दूंगी करेला। करेला देने के बाद थोड़ा सा चला लूंगी। अभी हम दे देंगे हल्दी पाउडर, इसके साथ दे देंगे रेड चिली पाउडर। बन चुका है और सुमित भी आ गया है घर। अभी टाइम हो रहा है 1:15 बज रहे हैं दोपहर का। राइस मैंने चढ़ाया है, थोड़ा राइस लेट करके चढ़ाया है, क्योंकि रात में ना एकदम से राइस बना लेती हूँ और ज़्यादा लेट करके हम लोग खाते हैं, डिनर करते हैं, तो राइस थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, इसीलिए मैं लेट करके मैं राइस चढ़ाया है। अभी राइस मेरा बॉयल आ चुका है, गैस का फ्लेम मैंने कम करके आ गई हूँ। अभी मैं जाऊँगी घर का पोछा लगाने, क्योंकि मेरा खाना बन गया है। खाना बनने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ घर का, और सुमित देख रहे हैं न्यूज़, आप सुन पा रहे होंगे। तो चलिए अभी काम करती हूँ, फिर आके मिलती हूँ। और मैंने आज आपके साथ शेयर किया ये एक फिश को, मैं 2 तरीके के यानी कि 2 स्टाइल में मैंने खाना बनाया, यानी कि सब्जी बनाया। ये फिश का नाम है पैकल माछ बोलते हैं इसको, और एक नाम से जाना जाता है इसका, क्या बोलते हैं, बाँस माछ, ऐसे बोला जाता है बाँस माछ। ये खाने बहुत डिलीशियस होता है। ये ना सुमित सुबह सुबह मुझे कॉल करके बताया, बाबू ऐसा फिश मिला है मैं लेके आऊँ, क्योंकि ये ना साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम जाता है। मेरा तो 9 बजे बैठी थी, 9:30 बजे मैं उठी इसको साफ़ सफाई करने के बाद, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले पूछ लिया था बाबू लेके आऊँ, मैंने बोला हाँ लेके आ जाओ। तो बस
आया और ये खाने में बहुत टेस्टी आया। और सच बताऊँ ऑनेस्टली ये मैं लाइफ में पहली बार बनाया है, पहली बार क्लीन किया है, पहली बार मैं खाऊंगी। और पहली बार मैंने दो तरीके के बनाया है, क्योंकि अगर अदरक लहसुन देकर जो झाल है ये अगर खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो सरसों देकर खाने में अच्छा। मैंने दोनों तरह से ट्राई किया है, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसीलिए मुझे तो पता नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं खाने वाली हूँ। मन किया कि आज मैं करेला को ऐसे रिंग रिंग करके फ्राई करूँ, और ज़्यादातर रिंग रिंग मैं फ्राई नहीं करती, घमूरी नहीं, पसीना से ना मेरा बॉडी पूरा ऐसे ऐसे खुजली हो रहा है। सुमित टीवी देख रहे हैं सुमित को मैं दिखा नहीं पाऊंगी, इसका हाल बहुत बुरा है कपड़ा मपड़ा खोल कर अब तक एकदम लेटे हुए हैं, और बाहर इतना कड़क वाला धूप है क्या बताऊं, बाप रे। लॉकडाउन है तो इसीलिए हर कोई घर में है, अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो इस धूप में काम करते रहता हर कोई, कितना परेशान हो जाता ना। और आसमान बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा क्या बोलते उसको, स्काई कलर का और वाइट कलर का, उसका क्या बोलते उसको, मेघ। बाद करते हैं।